कर्नाटक का राज्योत्सव ये की मुबारक का उसकी तासीस का दिन मनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और पूरे कर्नाटक के सिलसिले में मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कर्नाटक की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। और यहाँ माशाल्लाह हर दौर में कर्नाटक के अंदर जो आज योम कर्नाटक मनाया जा रहा है, ये मुसलमान इस कर्नाटक में इत्मीनान और चैन सुकून से रहे हैं। शुरू से हम देखते हैं कि इत्मीनान और चैन सुकून से रहते हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह इस कर्नाटक की हिफाजत फरमाए और इसमें रहने वाले तमाम बाशिंदगान की अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाए। कहते हैं उसमें से एक सूबा कर्नाटक का सूबा है और इस सूबे को जब तरतीब दिया गया तो वो यौम तासीस के मौके पर हमारे इस कर्नाटक के लिए कर्नाटक का राज्योत्सव मनाया जा रहा है। चूंकि तमाम दूसरी दीगर रियासतों में कर्नाटक का एक अहम मकाम है, तालीम के एतबार से भी और कंपनियों के एतबार से भी और तरक्की के एतबार से भी कर्नाटक का एक अहम मकाम है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी ये रियासत कर्नाटक तमाम रियासतों में नंबर वन बन जाए, तालीम के एतबार से भी और माशी एतबार से भी और दूसरे एतबार से भी। यहाँ मुकम्मल तौर पे पाकी सफाई का ख़ास ख्याल हो और भाईचारगी हो और सब भाई तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन तरीके से यहाँ ज़िंदगी गुजारें और अपने अपने कामों में मसरूफ़ और मशगूल रहें। हम उम्मीद करते हैं आज की इस कर्नाटका राज्योत्सव के मौके पर यही मैं सबको पैगाम देना चाहूँगा।